Hey, welcome back. This is Saurav Kumar Raut and now you are watching the Raut Classes. जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि कंपनीज क्या होती हैं और कंपनी से रिलेटेड कुछ टर्म्स बताए थे, जैसे कि कितने तरह की कंपनीज होती हैं, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी. और मैंने बस एक छोटा सा कॉन्ट्रास्ट पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में रखा था. और मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ अप्रोप्रिएट सा नहीं रह रहा है, चूँकि वो ओवरव्यू भी था. तो मैं सोचा कि आज की जो क्लास होगी, क्यों ना इसमें आपको कुछ डिटेल्स में बताया जाए कि 1% कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है. और उसके बेसिस पे आप जब चाहें, जैसे चाहें, आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आसानी से. कुछ जो पॉइंट्स होगी वो काफ़ी आसान होगी आपको मेमोराइज करने में भी. अगर आप चाहें तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने कॉपी में, वीडियो को पॉज करके. चलिए देखते हैं. सबसे पहला जो मेरी जो कंपनी थी वो थी 1% कंपनी, जिसमें इसका जो सबसे पहला जो फीचर होता है, जो कि आप भी जानते हैं, कि सर 1% मस्ट बी देयर एज ए मेंबर. मतलब कि रूल 3 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 ये प्रोवाइड करती है कि 1% कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, जिनको सारा रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही शेयर करना होता है, बियर करना होता है. फिर आती है दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो 1% कंपनी की, वो ये है कि ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन. मतलब कि अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति जो है, अगर वो चाह रहा है कि मुझे 1% कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, तो ये रिक्वायर्ड है कि उसको वो इंडिया का ही सिटीजन हो. वो अगर कहीं और डिसाइड कर रहा है मोर देन 1 ईयर के लिए से, या फिर उसकी जो टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, या फिर लाइवलीहुड उसकी जो है, वो किसी अदर कंट्री में लाई करती है, तो वो व्यक्ति जो है, उस अगर वो 10 साल से ज़्यादा रह रहा है उस जगह पर, उसको सिटीजनशिप मिल चुकी है, तो फिर ये 1% कंपनी इंडिया में आकर के एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है. उसी तरीके से ही कैन नॉट ऑपरेट इन सिक्योरिटीज ट्रेड. मतलब जो शेयर और डिवेंचर की जो परचेज और सेल होती है, इस तरह की भी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज होती है, उसको ये ऑपरेट नहीं कर सकता है 1% कंपनी. मतलब कि ये जो मेंबर होगा, ये जो एक इंडिविजुअल मेंबर होगा जो कि 1% कंपनी चलाना चाह रहा है, वो सिक्योरिटीज ट्रेड में ऑपरेट नहीं कर सकता है. जो चौथा है वो ये है कि कैपिटल कैन नॉट एक्सीड मोर देन 50 लाख. किसी भी 1% कंपनी की जो टोटल नेट वर्थ होती है, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी, वो 50 लाख से एक्सीड नहीं कर सकता है. और जो पांचवी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, देयर मस्ट बी एन एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी ऑफ ₹2 करोड़. इट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 2 करोड़. जो एक साल का टर्नओवर होता है कंपनी का, वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता है. चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट कंपनीज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं, कि प्राइवेट कंपनीज क्या होती हैं. प्राइवेट कंपनीज की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, जैसे कि कल मैंने बताया था डिस्टिंग्विश करते हुए कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या क्या डिफरेंसेस है, आज मैं एक एक करके बता रहा हूँ. प्राइवेट कंपनीज की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं कि पहला, इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स. मतलब कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, वो अपने शेयर को किसी अदर पर्सन के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. कुछ केसेस ऐसी होती हैं कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनका कंसेंट लेने के बाद एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, जो कि आप हायर क्लासेस से पढ़ेंगे, कि वहाँ पर क्या है कि सर पब्लिक प्राइवेट कंपनीज के भी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती है. लेकिन आपके लिए बस इतना जान लीजिए कि वो इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर. मतलब कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के, वो अपने शेयर को ट्रांसफर दूसरे के नाम पे नहीं कर सकते हैं. फिर है, जो सेकेंड वन फीचर इसकी ये है कि सर इट लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. कहने का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे प्राइवेट कंपनी के, वो 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं. फिर आता है प्रोहिबिट्स पब्लिक ऑफरिंग्स. चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंपनी की जो टोटल कैपिटल नेटवर्थ होती है, उसको डिवाइड किया जाता है पीसेस में, इसको हम लोग शेयर्स के नाम से जानते हैं. मैं आगे डिस्कस करूंगा शेयर्स के बारे में, तो मैं बताऊंगा और ज़्यादा डिटेल में कि शेयर होती क्या है. तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनके पास में ये राइट नहीं होता है कि वो अपने शेयर को पब्लिकली जा करके ऑफर करें कि आइए और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करिए. और फिर लास्ट में जो आपकी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है प्राइवेट कंपनी की, वो ये है कि सर दे मस्ट हैव द लिस्ट
नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू टू, मतलब एटलीस्ट इनके पास में दो मेंबर्स होने चाहिए, अनलाइक वन पर्सन कंपनी जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर हुआ करते थे। तो ये थोड़ी सी कुछ कुछ है ना कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट्स भी है जो आप इसको अपने डिफरेंशिएट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं एग्जाम्स में, तो आपको याद करने में भी काफी आसानी होगी। इस तरीके से ये चार पॉइंट्स इसके लिए और चार पॉइंट्स इसके लिए मैंने यहाँ पर क्लासिफाई करके रखा आपके लिए बहुत शॉर्ट में, और इतना लिखने के बाद आपको अगर मार्क्स नहीं मिले तो फिर आप आके मुझसे मिल सकते हैं। चलिए अब क्या है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को कहा जाता है दे आर द सब्सिडियरी फॉर द प्राइवेट कंपनीज। कहने का मतलब ये है कि जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो प्राइवेट कंपनीज के लिए हेल्पिंग हैंड के तरह वर्क करती हैं। मतलब कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका बेसिक मोटो होता है कि प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन जो वेलफेयर सोसाइटी में होनी चाहिए उस सोसाइटी को, सोसाइटी की जो वेलफेयर है, चूंकि हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में आता है, तो हमारी गवर्नमेंट की ये भी एक ओपिनियन रहती है कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज ना करे, बल्कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनकी भी वेलफेयर के लिए वर्क करे। ठीक है, तो इसीलिए इनको सब्सिडियरी फॉर दी प्राइवेट कंपनीज भी कहा जाता है कि प्राइवेट कंपनीज तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर ही रहे हैं, तो आप वेलफेयर के लिए भी तो कोई ना कोई कंपनी चाहिए जहां पर एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को, जहां पर लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाई जा सके, जहां पर चीप कॉस्ट में लोगों को जो है कॉमोडिटीज अवेलेबल कराया जा सके, इसके लिए पब्लिक कंपनी जो है सामने आती है बींग द हेल्पिंग हैंड्स ऑफ द प्राइवेट कंपनीज। फिर है सेकेंड वन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक कंपनी इज दैट इट मस्ट हैव अ मिनिमम कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड। कहने का मतलब ये है, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि जो कंपनी होती है वो पहले जो जब उनका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है, जिसको हम लोग प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी के टॉपिक में बताऊंगा आपको, कि जो सबसे पहली जो आपकी कंपनी की जो एक लिटिगेशन ये होती है कि उनको पेपर वर्क करना होता है, जहां पर वो जब अपने नंबर ऑथराइज्ड कैपिटल के लिए जब वो जाते हैं सेबी के पास में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास में जाते हैं, तो उनको दिखाना पड़ता है अपना एंटिसिपेशन कि उनकी स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होगी और उनको नेट कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके हिसाब से ही जो है सेबी उनको ऑथेंटिकेशन देता है कि जाइए आपका इतना ऑथराइज्ड कैपिटल है, आप पब्लिक में इतने इतने पीस को आप जिसे चाहें आप उतने रुपए की पर शेयर के हिसाब से पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं। तो इनके पास में मिनिमम कैपिटल जो है उनके टर्नओवर को देख करके, उनका एंटिसिपेशन को देख करके, उनका वर्क प्रोजेक्ट को देख करके जो है ये दिया जाता है। फिर है तीसरा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक कंपनी इज दैट दे हैव राइट्स टू ट्रांसफर देयर शेयर्स। मतलब कि जैसा कि प्राइवेट कंपनीज में होता था कि दे रेस्ट्रिक्ट दी राइट टू ट्रांसफर देयर शेयर, यहां पर क्या कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब चाहें, आप अगर पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप अपने शेयर को किसी अदर पर्सन के नाम पे, आप सेकंड पर्सन के नाम पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई आपको रोकने नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, और अगर आप प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपके पास में ये रेस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन कुछ ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के बाद आप प्राइवेट कंपनी में भी क्या कर सकते हैं, आप शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे के नाम पे। फिर चौथी आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है पब्लिक कंपनी की वो ये है दे कैन ऑफर इट्स शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। चूंकि ये पब्लिक कंपनी है तो ये पब्लिक में जाकर के ये ऑफर कर सकती हैं कि आइए और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करिए और हमारे कंपनी का आप ऑनरशिप राइट लीजिए, जिसमें आपको डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा आपके शेयर पे, जितना शेयर आप परचेज करके रखते हैं और जितने शेयर के आप मालिक हैं। तो यही सारी चीजें थी जो मैं बताना चाह रहा था वन पर्सन कंपनी के बारे में, प्राइवेट कंपनीज के बारे में और पब्लिक कंपनीज के बारे में, जो कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स थी जो उनको डिस्टिंग्विश भी करते हैं। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, ये कोई खास पॉइंट्स नहीं है। आप जब चाहें बैठ करके 2 से 3 मिनट आप इस वीडियो को रिमाइंड करके देखेंगे, आपको सब कुछ फिर से एक बार याद हो जाएगा, कुछ खास पॉइंट्स नहीं थी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।